55 लीटर पानी पहुँचाने के लिए हमें पहले जो 35 LPCD पे हर घर में 35 लीटर पानी जा रहा था पहले, जिसमें हमारे PSP के थ्रू दे रहे थे। 2007-08 केंद्रीय सूरजपुरा फिल्टर प्लांट से ये दूदू तक जो लाइन जा रही थी ये RCC की सीमेंट कंक्रीट की बनी हुई थी। ये लाइन वो प्रेशर नहीं झेल पा रही थी जिसमें हम 55 लीटर पानी दे सकें, और इसकी कंडीशन जिनसिन हो चुकी थी। उसके बाद में हमारी सरकार बदली, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 35 के बजाय 55 लीटर पानी देने की योजना बनाई। उस योजना के तहत हमें जो प्रेशर देना था और कई गाँवों के अंदर वो पानी नहीं जा पा रहा था, योजना की हमने जगह जगह लाइनें डाल दी, टंकियाँ बना दी, हमने सारे कर दी, बाकी वो सिस्टम हमारा नहीं हो रहा था। हमारा विभाग में बनने के बाद में मैंने इस चीज़ को देखा, देखने के बाद हमारे सभी अधिकारियों ने इसको डायरेक्शन दिया कि कैसे इसका सोल्यूशन हो, तो इन सब ने डिसीजन किया कि इसके हम लोहे की पाइपलाइन डालो और इस डिज़ाइन से डालें कि 55 लीटर पानी जो 2054 में पॉपुलेशन होगी आगे आने वाले टाइम उस तक जितनी पॉपुलेशन उसकी कैलकुलेशन करते हैं, इन्होंने डिज़ाइन बनाई। ये लगभग 310 करोड़ रुपये का ये पाइपलाइन है और इसका आज इसका शिलान्यास हुआ। आने वाले 20 महीने का इनको समय दिया, ये जो बता रहे टारगेट जून के महीना जून 2025 तक इसको पूरा कर देंगे। और आने वाले समय में विशेषकर जो ये जो क्षेत्र है हमारा टोडा रायसिंह मालपुरा विधानसभा क्षेत्र दूदू में जो भी गाँव के अंदर जो पानी की तकलीफ इसको दूर करेंगे, 55 लीटर देंगे। और बहुत जल्दी जो मेरे ज़िले की जो दूसरी योजना है जिसमें पीपलू है, निवाई है, चाकसू, टोंक, जहाँ जहाँ भी इसकी जो कमी थी वहाँ उन लाइनों को एस्टिमेट बना रहे हैं। वो लगभग एस्टिमेट 400-500 करोड़ होना, 700 750 करोड़ का वो भी बना रहे हैं, क्योंकि हमें पानी जो बिसल वसल लेने के लिए उसी लाइन से पंप हाउस भी दूसरा बनाएंगे, फिल्टर प्लांट भी दूसरा बना रहे हैं, पूरा सिस्टम को बदल रहे हैं। कि पैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इतना पैसा देने का पड़ी कि कोई भी राजस्थान की जनता, आम जनता पानी की तकलीफ नहीं पाए और आने वाले 2 साल में सबकी सुविधा मिले। पिछली सरकार में जल जीवन मिशन के तहत काम नहीं हुआ और ये जो क्या किया नहीं किया, लापरवाही तो रही है, उनकी लापरवाही की वजह से आज हम पूरे भारत में 33 स्थान पर राजस्थान। अगर वो काम करते, प्रोग्रेस लाते तो आज हमारा लगभग 90% काम पूरा हो चुका होता। हम कोशिश करते हैं 1-2 महीने बढ़ा दे, बाकी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी को, गजेंद्र सिंह जी जो हमारे जल शक्ति मंत्री केंद्रीय, उनको कि उन्होंने हमें सैद्धांतिक राजस्थान की परिस्थिति देखते हुए कि यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, उन्होंने इसको आगे बढ़ाने की हमें सहमति दी। क्योंकि राजस्थान स्टेट में जिस तरह से जो इन्होंने जो काम किया, जिस तरह से राजस्थान की जनता का पैसा का इन्होंने दुरुपयोग किया, उसी के बदले थे कि राजस्थान में जो 2018 में जब इन्होंने सरकार संभाली तब राजस्थान में कर्जा लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का था और आज इन्होंने 5.5 जिस दिन हमने सरकार देखी 5.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। अगर 65 से 68 साल में कर्जा होता है आम जनता पर केवल 2.5 लाख करोड़ का, इन्होंने 5 साल में उसको 3 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। पहले 35,000 रुपये एक आम आदमी पे कर्जा था, जो आज इसको इन्होंने 70,000 रुपये लेके चले गए 5 साल में। सोचो कि इतना इन्होंने मिसमैनेजमेंट किया, जनता का पैसा का किस तरह दुरुपयोग किया, तो आप सोच नहीं सकते। अब जब हम विभाग की समीक्षा करते हैं तो पता लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने फ्री स्कीम भी करी, बाकी फ्री स्कीम भी जनता की नहीं पूछा पाए, न उसका बेनिफिट दे पाए, सिर्फ जनता का पैसा का इन्होंने दुरुपयोग किया, भ्रष्टाचार किया, कुछ नहीं किया। टोडा मालपुरा के विधायक, राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री, भूजल मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल चौधरी जी ने जो वादा जनता से करा था, उस जन वादे को 100 दिन के अंदर ही आज 310 करोड़ की इस परियोजना का शिलान्यास कर तो पेयजल के लेकर बहुत बड़ी दिक्कत थी, 549 गाँव के अंदर पेयजल नहीं पहुंच पा रहा था, लाखों परिवारों को पानी पीने का पानी मिलेगा। टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया है आपने और आपने इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे, और आपने जिस तरह का राजस्थान के अंदर माननीय मंत्री महोदय ने जिस तरह का पूरे राजस्थान का दौरा 100 दिन में कर और इस विभाग में एक आमूलचूल परिवर्तन कर सारी योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का काम करा है, सरकार देश का प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री मोदी जी का प्रण है कि हम हर घर से नल को जल देंगे, उसके तहत आज जो परियोजना का उद्घाटन हुआ सूरजपुरा में, निश्चित ये एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। 549 गाँव के अंदर निश्चित पीने का पानी पहुँचेगा, 50 लीटर पानी हर व्यक्ति के नल से जल पहुँचेगा, इससे बड़ी उपलब्धि सरकार की हो नहीं सकती।